Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. I think it's very important for the people to know and for the audience and the public to know what is the real fact and how one single person can ruin so many families at one time just to promote a movie or promote herself. And it's high time we have to stand for the truth. कहाँ, किसने चुप्पी साधी? मैं अकेला ही आदमी था जो बात कर रहा था, बाकी सब चुप थे, सब छुप रहे थे, मैं ही बात कर रहा था। मैंने तो लीगल केस भी किया है, डिफेमेशन केस किया है कंगना के ऊपर और उनकी बहन रंगोली के ऊपर। नहीं, वो तो बहुत बहुत लंबी स्टोरी है, 15 साल पुरानी स्टोरी है। अब उसको यहाँ बोलना भी ठीक नहीं रहेगा और केस भी सब जूडिस है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। बट कंगना ने बहुत पहले, जैसे कि आपने कहा कि बहुत पहले, 15 साल पहले की बात है, तो अभी ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी कंगना? वो तो कंगना ही बता सकती है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि ये सिमरन की वजह से की। देखिए, अगर ऐसा ही करने से फिल्म चलती तो फिर फिल्म में सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या होती, स्टार्स की ज़रूरत क्या होती, म्यूज़िक की ज़रूरत क्या होती। फिल्म ऐसे नहीं चलती, फिल्म की वजह से चलती है। तो आपका कहने का मतलब है उन्होंने ऋतिक को भी सॉफ्ट टारगेट बनाया ये अपने पिक्चर को प्रमोट करने के लिए? सबको, पूरी इंडस्ट्री को, ऋतिक को, मेरे को, अवार्ड्स को, वुमेन्स कमीशन को, किसको छोड़ा ये बताइए आप? प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, करण जौहर को, नेपोटिज्म को, उसको तो नेपोटिज्म की बात करने का हक ही नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में कोई भी एक ऑडिशन दिया हो गैंगस्टर से पहले, तो वो बता दे पब्लिक को, हम उसकी बात को यकीन करेंगे।